रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 की प्रत्याशी को मिल रहा है व्यापक समर्थन। महिला प्रत्याशी राम सखी पांडे के पुत्र ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार। राम सखी पांडे चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, क्या सोच आपके यहाँ से पूर्व में भी कोई प्रत्याशी रहा है? पूर्व में प्रत्याशी के साथ साथ वो वहाँ के विजेता भी रहे हैं। वार्ड नंबर 8 से हमारे पिता रमाकांत पांडे, रामू पांडे जी। तो माता जी को क्या सोचकर राजनीति में उतार रहे हैं आप? माता जी पहले भी चुनाव लड़ चुकी और वो 4 वोट से ही हारी थी, लेकिन उनका राजनीति में सक्रियता आज से बहुत पहले से है, कई सालों से। क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में और क्या कुछ सोचकर और किन विकास कार्यों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं? भैया, समस्याएं एक हो तो ठीक, अनेकों समस्याएं हैं। ना तो नालियां हैं, ना तो समुचित जगह पे, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा हर घर के लिए रीवा नगर निगम में जलकर की व्यवस्था करवाई गई, लेकिन आज तक वार्ड नंबर 9 में कैलाशपुरी हो गया और उससे जितने भी जुड़े क्षेत्र हैं आज भी अछूते हैं। वहाँ पे कहा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी भी लोग कच्चे रोड पे चलने को मजबूर हैं। इवन अगर आप वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि अगर कई जगह पे तो रास्ते दलदल जैसे। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार लोग ऐसे आदमी को चुनने जो कर्मठ है, जुझारू है, जिसने अपना काम सिद्ध करके दिखाया हो। वार्ड नंबर 8 में जब मैं रहा, आज वार्ड नंबर 8 में पहले हमारे यहाँ ना शमशान घाट था, ना वहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, ना उचित लाइट थी। आज हमारा जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है कोलान, आप उसका आखिरी कोना देखेंगे वहाँ तक हमने बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था कर रखी है। इवन हमारा पहले जो चिल्वा टोला था, चिल्वा टोला बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था क्योंकि वो सैनिक स्कूल से लगा हुआ था और वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। लोग वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे थे, लेकिन जब हम पार्षद चुन के आए, हमारे पापा चुन के आए, तो उनका चौमुखी विकास, चिल्वा टोला में आज प्रॉपर रोड हैं, प्रॉपर लाइटें हैं और इवन प्रॉपर नल की व्यवस्थाएँ हैं हर घर में, और वो भी साफ सफाई के साथ प्रॉपर पूरा काम हो रहा है। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 9 में? पहले तो कई थे, बाद में फिर फाइनलाइज होते हुए 5 बचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे पिताजी वार्ड क्रमांक 8 से अभी हाल ही में पार्षद रह चुके हैं। विकास कार्य क्या होता है आप क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। हमारी माता जी की सोच है कि अगर देश का विकास करना है तो समाज के हर स्तंभ को एक समान और अपने परिवार जैसा समझकर मिलकर कार्य करना होगा। अगर आप मुझे वार्ड क्रमांक 9 से चुनावी रण क्षेत्र में विजयी बनाते हैं तो मैं पूरी तन्मयता से इस वार्ड के चौमुखी विकास का प्रयास करूं। मुझसे जितना संभव होगा मैं एक परिवार से व्यक्तिगत रूप से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझकर उनका निदान ढूंढने का प्रयास करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।